हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजू और आपका मेरे चैनल सात्विक कढ़ाई में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बेल का कंसंट्रेट। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बेल का शरबत बनाने के लिए चाहिए हमें एक पका हुआ बेल, 2 कप चीनी या ग्राम से देखेंगे तो 500 ग्राम चीनी, 4 नींबू, 2 छोटे चम्मच काला नमक, 8-10 इलायची पीसी हुई, 2 ग्लास पानी। बेल पका है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम इसकी डंडी को ऐसे करेंगे, ये तुरंत टूट जाता है, निकल जाता है। अब हम इसे किसी हार्ड सरफेस पर रख के तोड़ लेंगे। बेल टूट गया है, अब हम एक भगोना लेंगे, हम स्टील का ही भगोना लेंगे और उसमें सारे पल्प निकाल लेंगे। एक स्पून की मदद से सारे पल्प को निकाल लेंगे। सारा पल्प हमने निकाल लिया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे भी मसल कर निकाल सकते हैं। या फिर 10 मिनट के लिए आग पर पका लें। मसलने से पहले आप हाथ को अच्छी तरह साबुन पानी से धो लें, फिर मसलना स्टार्ट करें। गैस ऑन करेंगे और इसे सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। इसे मसल मसल कर चलाते रहेंगे। लगातार चलाएं जिससे ये तले में ना पकड़े। देखिए उबलने लगा है, इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें हम 1/2 ग्लास पानी और मिलाएंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं। ये देखिए पक गया है, अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए ये सॉफ्ट हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे छान लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें सूप वाली छन्नी की हेल्प से बेल को छान लेंगे। सारे पल्प को छान लेते हैं। देखिए इतना पल्प निकला है और इतना फाइबर निकला है। इस फाइबर को हम फेंकेंगे नहीं, इसको फिर से रीयूज कर लेंगे। हम फिर से वही भगोना लेंगे और इसमें सारे पल्प को डाल देंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। काला नमक डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम फिर से गैस ऑन करेंगे और चीनी के मेल्ट होने तक इसे उबाल लेंगे।
चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसमें नींबू का रस मिलाएंगे। अगर हम गरम गरम में मिलाते हैं नींबू का रस तो वो कड़वा हो जाएगा। हमारा कंसंट्रेट ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें नींबू का जूस मिला देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स हो गया है, अब हम इसे साफ सूखे बॉटल में भर कर रख देंगे। आप इसे फ्रिज में रख कर जब तक गर्मी है तब तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका शरबत बनाते हैं। एक ग्लास लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच कंसंट्रेट मिलाएंगे। इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे। फिर पानी मिक्स कर देंगे। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं। लीजिए आपका बेल का शरबत तैयार है। अब हम इसे नींबू से गार्निश कर देंगे। और ये जो फाइबर बचा था उसमें पानी मिक्स करके हमने फिर से 1 ग्लास जूस तैयार कर लिया। अब हम इसमें भी बर्फ डाल देंगे और लेमन स्लाइस से सजा देंगे। अब आप इसे पूरी गर्मी एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।